Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from MathyMath.com. Let's start with question number 12 of exercise number 7.4. The statement of the question is find the pth term of a geometric progression. The sequence is given. In this sequence, the first term is x, the second term is x cube, and the third term is x raised to power 5. Yani basically iske andar pth term jo hai usko find out karna hai, jahan par jo first term hai वो x है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब यहाँ पे बेसिकली a1 जो है obviously ये x आ जाएगा। जिस वक्त आप रेशियो लेंगे तो रेशियो होती है सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है x क्यूब ओवर फर्स्ट टर्म है x, तो x क्यूब ओवर x यानी x क्यूब बटा जब x आएगा तो x और x क्यूब के साथ ये डिडक्ट होगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपल सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो है an इज इक्वल टू a1 इनटू r रेज टू पावर n माइनस 1। सो क्योंकि pth टर्म फाइंड आउट करनी है सो n इज इक्वल टू p आ जाएगा। यहां पर जहां जहां p n आ रहा है उसे p से रिप्लेस कर दें, सो a p इज इक्वल टू a1 जो है ये x है जो कि गिवन है, सो यहां पे a1 की जगह x आ गया, इनटू r जो है ये x स्क्वायर है, ये हमने यहां पे फाइंड आउट किया है, यानी सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, सो x स्क्वायर रेज टू पावर p माइनस 1, यानी कि n को p से रिप्लेस किया सो ये p माइनस 1 आ गया। सो a p इज इक्वल टू x इनटू x रेज टू पावर, ये अब 2 जो है ये p और 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सो 2p माइनस 2, यानी कि 2 जब p से मल्टीप्लाई हुआ 2p आ गया और 2 1 से भी होगा सो ये 2p माइनस 2 आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पे जब बेसिस एक जैसी होती है, यानी यहां x है यहां भी x है, x की पावर यहां पे 1 है, सो जब बेसिस एक जैसी होती हैं तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, यानी यहां आ जाएगा x की पावर 2p माइनस 2, यहां इसकी पावर 1 है सो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा और ये दोनों x की बजाय सिंगल x जो है यहां पर लिखा जाएगा। सो x रेज टू पावर आ गया 2p माइनस 2 प्लस इसकी पावर 1 है, ये प्लस 1 ऐड हो गया, ये माइनस 2 प्लस 1 जो है ये माइनस 1 देगा रिटर्न करेगा, सो ap इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2p माइनस 1। होपफुली आपको इसकी इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।